cards and scammers. Hitting the licks in a bandit. Legacy, family. Waste, you look like a panda. Going out like a Montana. Hello guys, it's your boy Stan Z. Welcome back to my another video. तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहने वाली है. तो आज हम जा रहे हैं खरशाली मंदिर. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी पहुंच चुके हैं खरशाली. गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में. तो यहाँ से लगभग कुछ ही दूर है जो मंदिर है और झील के लिए वो उधर से रास्ता है ऊपर को. तो मेरे साथ भाई वगैरह आगे दिखा देता हूँ. तो आप देख सकते हैं तो गाइस हम अभी जा रहे हैं मतलब जो हमने खाना पीना का सामान लाया था अपने साथ स्नैक्स वगैरह तो हमने गाड़ी के पास भूल दिए. तो अभी जा रहे हैं हम गाड़ी के पास तक. तो जो खाने का सामान था वो हमने गाड़ी में भूल दिया था यहाँ पे. गाइस आप देख सकते हो यहाँ स्नैक्स वगैरह भाई दिखाना था इधर. तो ये हमने गाड़ी में भूल दिया था. तो जा रहे भाई वगैरह पर वेट करे हमारा. तो चलते हैं दिखाते हैं आपको जो आज की जो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है यहाँ का. मज़ा आने वाला है आज की इस ब्लॉग में. तो जो भी नए सब्सक्राइबर है तो हमारे यूट्यूब चैनल द हिल ब्लॉग सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाकी वीडियो में बने रहे हमारे साथ आगे. तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ खरशाली माता का मंदिर जो है हम पहुँच चुके हैं. तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू है यहाँ पे. तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्रवेश द्वार. तो गाइस ये आप देख सकते हो किस तरह से कवर किया है मंदिर को. बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर से कवर अप किया है जी. तो आप देख सकते हो जो प्रवेश द्वार है यहाँ. तो गाइस जी हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे जो यहाँ खरशाली माता का मंदिर है. तो यहाँ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जो व्यू है अंदर का मैं आपको दिखा देता हूँ. फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो झील भी यहीं पे है तो झील भी बहुत ही प्यारी है. बहुत मतलब लगभग बहुत बड़ी है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो गाइस ये है आप देख सकते हो यहाँ पे जो झील का जो कुछ इधर भाई बार शूट कर रहे हैं. तो ये है खरशाली में जो झील है खरशाली के पास. तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ का खरशाली का. तो आप इधर विज़िट करने आ सकते हो. ये लगभग चिड़गांव से जो है 25 किलोमीटर दूर है. तो आप यहाँ का जो व्यू देख सकते हो आप यहाँ प्रवेश द्वार. तो जंगल के बीचों बीच है इंस्ट्रक्शन दे रखी है. तो आप कर सकते हैं आप झील के अंदर ना जाए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए. तो गाइस ये है जो ये झील है बहुत ही ज़्यादा प्यारी झील है. आप यहाँ का जो व्यू देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है. तो अभी मैं बाहर की तरफ जाता हूँ जहाँ मंदिर है बना हुआ. तो वहाँ पे जाता हूँ. तो आप वीडियो में बने रहे मेरे साथ.
गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ आगे जो है माता का मंदिर भी है, वहाँ पे जो व्यू आपको दिखा देते हैं तो कैसा व्यू रहता है वहाँ मंदिर का। तो आपने कहा तो गाइस इधर आप देख सकते हो जो मंदिर का जो फ्रंट साइड से जो इसका व्यू दिखता है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। यहाँ खरशाली माता का मंदिर है, इधर आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रंट साइड से जो माता का जो मंदिर है, लगभग बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ जो मंदिर का आप व्यू देख सकते हो ऊपर, तो जंगल के बीचों बीच है ये मंदिर। तो आगे आप देख सकते हो, इधर आगे झील है, इधर पर ये भाई वेट करे मेरा। आप देख सकते हो जो मंदिर का जो अंदर का व्यू है, बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू है अंदर का। तो ये खरशाली माता का मंदिर, मेरा भी यहाँ मंदिर का जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे झील है, यहाँ पे वहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। यहाँ है माता का मंदिर, खरशाली माता का मंदिर। तो यहाँ पे जो कलाकारी देख सकते हैं, मैं कारी दिखा देता हूँ आपको। खरशाली माता का मंदिर। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, तो भाइयों के साथ एंजॉय करता हूं मैं। तो आगे की तरफ चलते हो, आप वीडियो में बने रहे मेरे साथ। तो गाइस जैसे कि आप इस पेड़ को देख सकते हो कि इतना इसका एक ही है, और ऊपर फैला हुआ देख सकते हो आप, पांच पेड़ एक साथ इस एक ही पौधे में लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर ताप कितना बड़ा है। तो ये हमारे फोटोग्राफर देख सकते हो आप, इधर फोटोग्राफर सेकंड फोटोग्राफर हमारे, इधर पोजिंग करते हुए सचिन मेहरा जी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे, तो अभी हम स्नैक्स वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा भूख लग चुकी है। तो ये हमारे आगे तो वही जी चल पड़े, तो चलते हैं आगे की तरफ। वो यहाँ देख सकते हो आप पीछे जो झील का जो व्यू है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। आप यहाँ आओ विजिट करने। तो वही जी आपको कैसे लगा यहाँ, फर्स्ट टाइम आए ना आप यहाँ? तो गाइस अभी हम जंगल में घूम रहे हैं, अभी यहाँ पे मजा कर रहे हैं, फुल एंजॉय। तो चले हम अभी ऊपर की तरफ, सबसे आलसी बंदे पीछे रह गए, सबसे मोटे और सबसे आलसी बंदे पीछे। देख सकते हो देख सकते हो आप मेरे पीछे सबसे आलसी बंदे। आप जहाँ कहीं भी जाए सफाई का पूरा ध्यान रखें, कहीं भी गंद ना डाले, और अपने पास जो भी रैपर ऊपर हो, अपने पॉलिथीन या जो भी आपके पास है उसमें डाले। सफाई से ही अच्छे नागरिक की पहचान है। हम एक मोदी जी कहते हैं ना, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जितना भी हमने खाया पिया सारा इसमें डाल दिया है, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी जाए अपना जितना भी खाने पीने का सामान है उसको अपने रैपर में डाल के, एक लिफाफे में डाल के ध्यान में डाले। और यहाँ देखो बंदे पहले भी आए हुए हैं, उन्होंने देखो यहाँ पे बियर की बोतलें फाड़ी है, और भी यहाँ पे कचरा कूड़ा डाला हुआ है। तो आप ऐसा काम ना करें, जहाँ भी जाए अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखें, और उस एरिया का भी जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का भी आप ध्यान रखें। तो गाइस हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आज भाई के साथ, सभी भाइयों के साथ फुल इन्जॉय किया। तो अभी हम
चलते अब घर की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने सबसे अच्छा काम किया जो कि यहाँ पे कूड़ादान बना रखा हुआ है। आप जो कुछ भी खाए अपने लिफाफे में या कुछ भी आपके रैपर ऊपर है वो इस कूड़ेदान में डालें, इससे क्या होता है हमारे एरिया भी साफ रहता है और अपना इंजॉयमेंट भी हो जाता है। इसलिए आप सब सफाई का विशेष ध्यान रखें। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा आप सभी ने। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ अपने भाइयों के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।